पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। बीजेपी ने और आप पर पेशाब करके कहते हैं भैया आप लोग वनवासी, और वो चाहते हैं कि आदिवासी जंगल में रहें। बीजेपी के एमएलए उन पर पेशाब करें, वीडियो वायरल करें। मैं ओबीसी हूं, हर भाषण में 10-15 बार मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं। जिस दिन मैंने जाति जनगणना की बात की, जिस दिन मैंने कहा कि ओबीसी की आबादी कितनी है, उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी कहते हैं भाइयों और बहनों हिंदुस्तान में एक ही जात है गरीब। ओबीसी शब्द भूल गए। चुनाव लड़ना है तो मैं ओबीसी, भागीदारी देनी है तो एक ही जात गरीब। नरेंद्र मोदी जी के भाषण बिल्कुल बदल गए। कांग्रेस पार्टी पैसा कानून लाई, जमीन अधिकरण बिल लाई, ट्राइबल बिल लाई, मनरेगा लाई, आपके अधिकारों की रक्षा करने के, आपको अपना अधिकार देने के लिए। बीजेपी ने पैसा कानून रद्द कर दिया, जमीन अधिकरण बिल रद्द कर दिया, और आप पर पेशाब करके कहते हैं भैया आप लोग वनवासी हो। पहले हर भाषण में नरेंद्र मोदी आदिवासियों को वनवासी कहता था, उसके भाषण देख लीजिए आप वनवासी हो। जैसे ही मैंने यह बात बोली कि वनवासी में और आदिवासी में फर्क है, और नरेंद्र मोदी खबरदार आपने वनवासी शब्द का प्रयोग किया, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने वनवासी बंद कर दिया। मैं आपको बता रहा हूं, जब तक कांग्रेस पार्टी है तब तक आदिवासियों की अधिकारों की हम रक्षा करेंगे। आपके साथ खड़े होके आपके बच्चों को शिक्षा दिलवाएंगे, फ्री में स्वास्थ्य दिलवाएंगे, मुफ्त में स्वास्थ्य दिलवाएंगे, और आपका जो जमीन पर जंगल पर जल पर हक बनता है वो आपको दिलवाएंगे। आपको कहते हैं हिंदी सीखो, अंग्रेजी मत सीख लेना, मगर अगर आप बीजेपी के किसी भी नेता से पूछो, भैया आप कहते हो कि हमें अंग्रेजी नहीं सीखना, आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? इंग्लिश मीडियम। सारे के सारे बीजेपी के बच्चे, अमित शाह के बेटे, राजनाथ सिंह के बेटे, सारे के सारे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है सबसे अच्छी नौकरियां कॉल सेंटर, आईटी, सॉफ्टवेयर, इंजीनियरिंग, सबसे अच्छी नौकरियों के लिए आपको अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी। और वो चाहते हैं कि आदिवासी जंगल में रहें। बीजेपी के एमएलए उन पर पेशाब करें, वीडियो वायरल करें, और आदिवासी युवा ना पढ़ें, ना लिखें, ना अंग्रेजी बोलें। मैं चाहता हूं कि आदिवासी युवा अगर पायलट बनना चाहता है, अमेरिका में हवाई जहाज में जाना चाहता है, उसका हक बनता है। लॉयर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, आप असली असली मालिक हो इस जमीन के, हक बनता है। याद है? हाँ, क्या पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। देश में कम से कम 50% पिछड़े लोग हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है,
मगर लोग जानते हैं कि कम से कम 50% आबादी पिछड़ों की है। जिस दिन मैंने कहा, पार्लियामेंट हाउस में मैंने भाषण दिया और मैंने कहा कि देखिए, अगर हम पिछड़ों को, आदिवासियों को, दलितों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को भागीदारी देना चाहते हैं, देश में अधिकार देना चाहते हैं, तो हमें दो चीजें पहले पता लगानी पड़ेंगी। सबसे पहले, किसकी कितनी आबादी है, आदिवासी कितने, दलित कितने, ओबीसी कितने, जनरल कास्ट के लोग कितने। सबसे पहले जाति जनगणना की जरूरत है। अगर हम अधिकार की बात कर रहे हैं, भागीदारी की बात कर रहे हैं, तो कितने लोग कौन सी जात के, कौन से समाज के हैं, वो तो पता लगाना ही पड़ेगा। इसको हम जाति जनगणना कहते हैं। और दूसरा सवाल, हिंदुस्तान का जो धन है, सोने की चिड़िया का धन है, उसका कितना भाग आदिवासियों के पास है, कितना जनरल कास्ट के पास, कितना ओबीसी के पास, कितना दलितों के पास, ये पता लगाना पड़ेगा। इसके बिना देश आगे जा ही नहीं सकता। इसके बिना भागीदारी की बात करना बिल्कुल खोखला है। अगर हमें यह नहीं मालूम कि कितना धन किसके पास है और किसकी कितनी आबादी है, तो भागीदारी की बात कैसे करेंगे। तो मैंने पार्लियामेंट में साफ कहा कि भैया, पहला कदम देश का एक्सरे करना है। जैसे किसी को चोट लगती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं भैया एक्सरे कराओ, टांग टूटी नहीं टूटी, हाथ टूटा नहीं टूटा, अब लोगों को दर्द हो रहा है, देश में आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को दर्द हो रहा है, लोगों को समझ नहीं आ रही बात, दर्द क्यों हो रहा है, इसलिए जाति जनगणना देश का एक्सरे है, यह पहला कदम है। अब मैंने यह पार्लियामेंट में बोला, नरेंद्र मोदी जी जाति जनगणना करिए। यूपीए के समय हमने आंकड़े निकाले थे, देश को दिखा दीजिए। उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी जी के भाषण बिल्कुल बदल गए। पहले यहां राजस्थान में आते थे, मध्य प्रदेश में जाते थे, छत्तीसगढ़ में जाते थे, कहते थे मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं, हर भाषण में 10-15 बार मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं। जिस दिन मैंने जाति जनगणना की बात की, जिस दिन मैंने कहा कि ओबीसी की आबादी कितनी है, उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी कहते हैं, भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में एक ही जात है, गरीब। हिंदुस्तान में ना ओबीसी, ना आदिवासी, ना दलित, सिर्फ एक जात, गरीब। एक बात उन्होंने नहीं कही कि अगर एक जात गरीब है तो दूसरी जात अरबपतियों की भी है, अदानी अंबानी की है, उनकी स्पेशल जात है। ओबीसी शब्द भूल गए। चुनाव लड़ना है तो मैं ओबीसी, भागीदारी देनी है तो एक ही जात, गरीब।